अस्सलामुअलैकुम। ईद के दूसरे दिन आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इस वक्त जो है वो मैंने गोश्त तलने के लिए मैंने रख दिया था। गोश्त गल चुका है, शाम का टाइम है और थोड़ी देर के बाद जो है मैं इस गोश्त से बिरयानी बनाऊंगी। और ये देखिए गोश्त गल चुका है, थोड़ी देर के बाद मैं बिरयानी बनाऊंगी। और अभी चलते हैं अंस के पास, देखते हैं अंस कहाँ पे हैं। ठीक है, तो शाम के वक्त हम बिरयानी बनाएंगे यहाँ पे और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको देखते हैं अंस कहाँ पे। अंस यहाँ पे तो कोई नहीं है, लगता है अंश दूसरे कमरे में है अपने अब्बू के पास। जैसे मैं काम में बिजी हो गई तो वो चले गए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अंश को देखते हैं अंश कहाँ पे है। उसके बाद जो है मैं बिरयानी बनाने लगूंगी। और कल हम गए थे अंश की फूफो के घर, तो हमने कल घर पे कुछ भी नहीं पकाया, सारा दिन हम वहाँ पे रहे थे। फिर रात को हम 11 बजे घर पे आए थे। तो अभी जो है वो मेरी खाला के घर से गोश्त आई है, तो वो मैंने उबाल के रख दिया है। और अभी शाम के वक्त जो है मैं उसकी बिरयानी बनाऊंगी। और ये अंस यहाँ पे सो रहे हैं और अंस के अब्बू जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अभी हम जा रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे, काफ़ी गहरी नींद में हैं। तब तक हम बिरयानी पका लें। देखिए कितने सारे मेरे कपड़े जमा हो गए हैं मुसलसल बारिशों की वजह से, और फिर ईद आ गई तो मैं कपड़े धो नहीं पाई। अब जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो है मैंने हाथ पे कपड़े धोए हैं वो मैंने यहाँ पे टांग दिए हैं। देखिए मैंने सारे कपड़े हाथ पे धो दिए हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो इसलिए मैंने हाथ पे धो दिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं बिरयानी पकाने की तैयारी करते हैं। ऑयल चूंकि गोश्त के अंदर पहले से जितना ही मौजूद है, तो मैंने ऑयल बिल्कुल कम डाल दिया है। ऑयल को गर्म करने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को सुनहरा होने के लिए छोड़ देते हैं। डेगची हमने खाली कर दी है और यखनी गोश्त जो है हमने एक तरफ निकाल दिए हैं, इसको बाद में हम पुलाव के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम इसके अंदर डेगची के अंदर ऑयल डालेंगे सबसे पहले। ये मैंने बिरयानी बनाना शुरू कर दिया है। ये मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर और हरी मिर्चें, प्याज टमाटर जो कि मैंने काट के रख दिए हैं, और दो हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा जो है मैंने चावल लिए हैं टोटा, और इनको जो है मैं अभी भिगो दूंगी, चावलों को भिगो कर रख दूंगी। दूध वाला जो है हमारा देर से आता है, इसलिए मैं चाय का इंतज़ार नहीं किया। जब आएगा तब हम दूध लेके चाय पियेंगे। फिलहाल मैं बिरयानी पका रही हूँ, बल्कि पुलाव बना रही हूँ, बिरयानी नहीं पुलाव। ठीक है, और अभी जो है शुरू करते हैं। सब अलग से निकाल देंगे और इसका यखनी जो है हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मैंने लहसुन बारीक काट दिए हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। और ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला सायके के लिए, प्याज सुनहरा हो गया है।
अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च। ये तेज लाल मिर्च है इसलिए हम कम इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मिर्च जलने से बच जाए, ठीक है। और अब जो फिर है हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। प्याज नर हो रहे हैं और अब हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करें। तो हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अब हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। ये पैमाना वही है जो हमने चावलों के लिए इस्तेमाल किया था। हमने 1.5 कप चावल लिए थे, इसके हिसाब से हम 2 कप पानी यखनी मिला इस्तेमाल करेंगे। ये साबित खुश धनिया ये मैंने गांव से मंगवाए हैं, अम्मी वालों ने दिए हैं गांव से। मैं थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। और अब इसके अंदर मैं गोश्त शामिल करूंगी। और अच्छी तरह भून लूंगी गोश्त को। गोश्त को हम तेज आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। दाल हमने डाल दिए हैं, अब जो है हम ढक्कन ढक कर तेज आंच पे शोरबा खुश्क होने तक पकाएंगे। चावलों से हमने पानी निकाल दिया है, अच्छी तरह से हमने चावलों को धो दिया है। और ये देखें ये यहाँ पे पानी भी उबल रहा है, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। जितना हो सका हमने यखनी डाला, बाकी हम पानी इस्तेमाल करेंगे। 1.5 कप चावल, 2 कप पानी। इस तरह से, और अब हम इसे उबाल आने तक छोड़ देंगे, आंच तेज कर देंगे बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का पानी बिल्कुल जज्ब हो गया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे।
और अब हम चावलों को दम पे लगा देंगे। मेरा दम का वही पुराना तरीका है, सबसे पहले मैं ढक्कन रखती हूँ और उसके बाद मैं ढक्कन के ऊपर थाल लगाती हूँ। ढक्कन के ऊपर थाल और थाल के ऊपर वजन के लिए कुछ भी रख देती हूँ, ठीक है। तो अभी दम के बाद हम फिर से चावलों को चेक करेंगे। अंश भी खेलने में लग गया है मोबाइल के साथ। और ये चावल पुलाव पककर तैयार हो गए हैं, बल्कि मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले निकाल दिया, ठीक है। और वो खाना खा रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले चावल देखें, बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ से चावल ले गए हैं, सब खा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर डाल देते हैं और ले जाते हैं, ठीक है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार खिले खिले से चावल पककर तैयार हो गए हैं सादा तरीके से। आप भी इस तरह से कुर्बानी का गोश्त इस तरीके के पुलाव के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह पकाकर। तो अभी हम ये ले जाते हैं, वहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। और ये यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। खाओ खाओ, जहरा को भी दिखाओ। जहरा को दिखाई से जहरा अंश खा ना, वर जानी वर। हाँ जहरा नींदी ना दिखाओ। क्या है दिखा, मेहंदी खराब लगी थी, भली लगी थी, हमने दिखा मेहंदी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।